एक अच्छा YouTube थंबनेल आपके वीडियो की व्यूज को यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा, साथ ही साथ आपकी उस वीडियो की रीच को भी इंक्रीज करेगा और आपके चैनल पे ऑडियंस रिटेंशन को इंक्रीज करेगा और सब्सक्राइबर भी गेन करवाएगा आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट में, कि कैसे आपको एक परफेक्ट YouTube थंबनेल बनाना है कैनवा का यूज़ करके। लेकिन दोस्तों थंबनेल बनाने से पहले हम समझ लेते हैं कि एक परफेक्ट YouTube थंबनेल में क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों एक परफेक्ट YouTube थंबनेल ऐसा होना चाहिए जो देखते ही आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, उन्हें बता दे कि उस वीडियो में क्या है, या सस्पेंस में रखे थोड़ा सा कि उस वीडियो में क्या है, मतलब क्यूरियोसिटी हो। और दोस्तों एक थंबनेल में बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए कि ऑडियंस को कुछ समझ ही ना आए, वो कंफ्यूज हो जाए और वो आपकी वीडियो को खोले ही ना, उसे देखे ही ना। इसलिए सिंपल थंबनेल बेस्ट होते हैं मेरे हिसाब से। बस आप उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट रखिए, आप थोड़ा बहुत एलिमेंट ऐड कर सकते हैं जिससे पता चले वीडियो किस बारे में है, और लास्ट में एक अपनी फ़ोटो लगा दीजिए। अगर आप फेसलेस चैनल आपका नहीं है तो आप उस पर फोटो लगा सकते हैं, और जैसे कि फेसलेस चैनल भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप थंबनेल में अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर वो थंबनेल पे एक बंदे को देखता है तो ज़्यादा कनेक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू कोई थंबनेल जिस पे ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिस पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे एक परफेक्ट यूट्यूब थंबनेल बनाना है। लेकिन उससे पहले आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे canva.com खोल लिया है और इसी पे मैं अपने सारे थंबनेल बनाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पुराने थंबनेल्स हैं जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में यूज़ कर रखे हैं। इसमें से कुछ थंबनेल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और ऑडियंस का एक बार ध्यान ज़रूर अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे कि एक ये वाला थंबनेल आप देख लीजिए, 2 मिनट में नॉइस फ्री ऑडियो। अब इस थंबनेल को देख के आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होगा और आप शायद इस वीडियो को देखना पसंद करें अगर आप ऑडियो एडिटिंग की वीडियोस देख रहे हैं तो। अब इससे आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा क्लियर भी है मैसेज कि मैं नॉइज़ हटाऊँगा ऑडियो में से। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्रीमियर प्रो का सिंबल लगाया है, इसका मतलब ये है कि प्रीमियर प्रो में मैं ये काम करने वाला हूँ। और टाइटल में मैं बता भी देता हूँ कि वीडियो किस बारे में है, लेकिन जो हमारा थंबनेल होता है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव प्लस क्यूरियोसिटी भरा होना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैनवा पे आपको कैसे एक परफेक्ट थंबनेल बनाना है। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब थंबनेल वाला ऑप्शन इस वाली लाइन में ढूंढना है जो कि आप आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब थंबनेल का ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए और इससे ये वाला ऑप्शन एक नई विंडो में खुल जाएगा और आपकी एक ब्लैंक शीट खुल जाएगी यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं टेम्पलेट्स, ये जो सारे आपको टेम्पलेट दिख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट एक थंबनेल है जिस पे आप थोड़ा बहुत एडिटिंग करके टेक्स्ट वगैरह एडिट कर दी, इमेज एडिट कर दी और आपका थंबनेल रेडीमेड रेडी है। तो आप इसमें से सेलेक्ट करके भी बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे एलिमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अपने थंबनेल में। फिर अपलोड से अपने सिस्टम से आप कुछ डालना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम से कुछ अपलोड करके इसमें लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फिर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फोटोज़ ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और ऐसे ही चार्ट्स भी डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं टेम्पलेट से ही स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। अगर टेम्पलेट नहीं लेना है तो आप प्लेन बैकग्राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ये वाला टेम्पलेट उठा के इस पर ड्रैग करता हूँ और ये वाला टेम्पलेट इस पर आ गया। अब इसमें कुछ चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, जैसे कि ये मोहतरमा हमें नहीं चाहिए तो इसको हम हटा देते हैं। फिर ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, इसे भी हटा देंगे। हमें ये वाला पार्ट प्लेन चाहिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है इसलिए मैंने ये वाला उठा लिया। नहीं तो आप डायरेक्ट ये वाला कलर सेलेक्ट करके बैकग्राउंड प्लेन कर सकते थे और ये टेक्स्ट डाल सकते थे। अब हम इसी वीडियो का थंबनेल बना रहे हैं तो हम एक कैची सा उस थंबनेल के ऊपर टेक्स्ट डालेंगे। तो मैं टेक्स्ट में डालने वाला हूँ परफेक्ट यूट्यूब थंबनेल। तो हम इस वाले पार्ट में परफेक्ट YouTube लिख लेते हैं और इस वाले पार्ट में थंबनेल लिख लेते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको बड़ा कर लिया हमने, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, इसको लंबा कर लेते हैं साइड से और इसको भी टेढ़ा कर लेते हैं हल्का सा, यहाँ ला के इसको भी बड़ा कर लेते हैं।
ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि टेक्स्ट जो होना चाहिए वो कम से कम रहे, मतलब जिससे ऑडियंस को पता चलिए, ये नहीं कि आपने जो आपकी वीडियोस में है ढेर सारा कंटेंट आपने सारा थंबनेल में टेक्स्ट के फॉर्म में डाल दिया, वो आपके थंबनेल को बहुत ज़्यादा हॉच पॉच कर देगा और ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा वो थंबनेल। तो आपको कम से कम चीज़ें रखनी है और सिंपल थंबनेल बनाना है। अब हम इस टेक्स्ट को एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, पूरा सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिससे आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज बोल्ड, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा, इटैलिक अंडरलाइन, और यहाँ इफेक्ट है। इफेक्ट वाले टैब को जब आप दबाएंगे तो इधर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जो आप अपने टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। तो इसमें मुझे नियॉन वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने नियॉन लगा दिया, और यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो मुझे इस वाले की कम चाहिए, वाइट कलर है इसका तो हम 1 पे कर देते हैं। उसके बाद अब इस पे भी सेम इफेक्ट मैं लगाऊंगा और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, इतना ठीक है। तो अब हमारा टेक्स्ट रेडी हो गया। अब इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट और नहीं डालूंगा, इतना टेक्स्ट काफ़ी है। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं। एलिमेंट्स में आप वो चीज़ें डाल सकते हैं जिस पे ये वीडियो है, तो जैसे कि ये वीडियो है YouTube प्लस कैनवा के ऊपर, मैं YouTube थंबनेल कैनवा पे बना के बताने वाला हूँ, तो आप YouTube का सिंबल डाल सकते हैं और कैनवा का सिंबल डाल सकते हैं। तो हम यहाँ एलिमेंट सेक्शन में जाएंगे और जैसे कि मैंने सर्च कर रखा है पहले से तो यहाँ पे आ रहा है रिसेंटली यूज्ड में, नहीं तो आप यहाँ से यूट्यूब और कैनवा करके सर्च करेंगे तो जितने भी फॉर्मेट्स आते हैं वो आ जाएंगे। तो मैं यूट्यूब वाला उठा लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ कहीं लगा देते हैं ऐसे, और कैनवा वाला उठा लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे लगा देंगे, परफेक्ट। तो दोस्तों हमने दोनों सिंबल डाल दिए और इससे क्या लग रहा है कि ये यूट्यूब और कैनवा से रिलेटेड कोई वीडियो है, मतलब सिंपल है, हमें टाइटल और टेक्स्ट जो थंबनेल में है उससे पता चल रहा है कि यहाँ पे हम यूट्यूब से रिलेटेड थंबनेल बनाएंगे और कैनवा पे बनाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप ह्यूमन एलिमेंट अपने थंबनेल में ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा कनेक्ट करता है आपके ऑडियंस से, तो आपको ह्यूमन एलिमेंट ज़रूर ऐड करना चाहिए अपने थंबनेल में। तो मैं अपनी फ़ोटो डाल दूंगा, तो जैसे कि यहाँ पे अपलोड्स में बाय डिफ़ॉल्ट में फ़ोटोज़ हैं कुछ, तो मैं एक लगा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये फ़ोटो मैंने लगाई, उसके बाद एडिट इमेज पे जाएंगे तो आप यहाँ से इमेज का ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कंट्रास्ट वगैरह बदल सकते हैं, फिर यहाँ कुछ इफेक्ट लगा सकते हैं। तो शैडो वाले इफेक्ट में एक आता है ग्लो इफेक्ट, आपने देखा होगा कई थंबनेल जिसमें ह्यूमन ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके किनारे बॉर्डर पे वाइट कलर की लाइन होती है, तो वो ग्लो इफेक्ट से आती है। आपको ग्लो पे डबल क्लिक करना है और ये आपके इस पे अप्लाइड हो गया। एक क्लिक और करेंगे तो इसकी सेटिंग्स में आप चले जाएंगे, तो यहाँ से हमें ब्लैक को वाइट कर देना है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है, तो हम वाइट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे वाइट आ गया। अब यहाँ से इसका आप साइज़ वगैरह ज़्यादा कम कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए, और ब्लर भी उसी हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो मुझे इतना ठीक लग रहा है तो मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। तो हमने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर यह हमारी इमेज आ गई। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो दोस्तों मुझे अब लगता है कि हमारी इमेज बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड हो गई है। अब इसमें ऊपर कुछ चीज़ें मिसिंग है, आप देख रहे हैं कि ऊपर थंबनेल में थोड़ा सा कमी लग रहा है, तो इसमें मैं ऐड करूँगा, जैसे कि ये टाइटल ही इसका है कि हम यूट्यूब थंबनेल बना रहे हैं, तो मैं इसमें अपने पुराने थंबनेल्स ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपलोड सेक्शन में ही जाना है और अपने सिस्टम से पुराने थंबनेल यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं। मैंने पहले से किए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1, 2, 3 ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो आपको अपलोड कर लेने हैं अपने सिस्टम से और यहाँ से आपको ड्रैग करके इस पर डाल देने हैं। तो अब मैं इस वाले को इधर मैंने डाल दिया है, अब इसको छोटा कर लेते हैं। अब ये हमने 3 थंबनेल और लगा लिए। अब इस पर मैं एरो लगा देता हूँ ताकि ध्यान जाए ऑडियंस का कि हम इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस थंबनेल में। तो एरो के लिए आपको क्या करना है, एलिमेंट्स पे जाना है और यहाँ आपको एरो टाइप करना है। आप एरो सर्च कर लीजिए, यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के एरो मिल जाएंगे।
हम लगाएंगे ये वाला एरो। और ये हमारा एक परफेक्ट थंबनेल रेडी हो गया है। आप चाहें तो यहाँ इस वाले पोर्शन में, जहाँ थोड़ा सा खाली पोर्शन है, यहाँ कुछ ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूँगा, मेरे लिए इतना सफिशिएंट है। तो इससे पता चल रहा है कि हम थंबनेल्स रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई है जो डाली है। बाकी टाइटल पढ़ के ऑडियंस समझ जाएगी कि क्या है उस वीडियो में, और सिंपल कम एलिमेंट्स के साथ, कम टेक्स्ट के साथ हमने ये थंबनेल बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप भी कैनवा का यूज़ करके ऐसे थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये YouTube थंबनेल ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, अगर आपको हाउ टू YouTube वाली वीडियोस देखनी है, तो आप हमारे हाउ टू यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं जो इधर कहीं पर दिख रही होगी। उसमें मैंने ऐसी वीडियोस डाली हैं जिसमें आप अलग अलग चीज़ें सीख के अपने यूट्यूब चैनल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मेरे साथ आप भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।